तो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए माय डियर स्टूडेंट्स, इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑन कंजप्शन एक्सपेंशन। ओके माय स्टूडेंट, तो पहले आज हम आपको बता देना चाहें, आज नागपंचमी है और आज नागपंचमी जैसा शुभ अवसर है, तो इसलिए एक बार नागपंचमी देवता ओम श्री नाग गुरु देवता का स्मरण करते एक बार जयकार लगाएं, हर हर शेष नाग गुरु देवाय नमः, हर हर शेष नाग गुरु देवाय नमः। सो एक बार जयकार लगाई, और हम आशा करते आप इस समय कोरोना के समय आप सभी महादेव की कृपा से अच्छे होंगे। तो एक बार जयकार लगाइए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरी तरफ से आप सभी को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके मैं चलिए आए, अब हम आप लोग इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ते। आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑन कंजप्शन, कि पॉपुलेशन का हम कंजप्शन स्ट्रीम में क्या प्रभाव पड़ता है। ओके मैं आपको बता दें कि इंडिया में जैसे जैसे, चाहे कोई भी कंट्री, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, मार्केट में कंजप्शन बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, फिर इसी तरह प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो यानी जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट अधिक से अधिक इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, इनकम इंक्रीज होगा, सेविंग है, यानी पॉपुलेशन जितना अधिक से होगा ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा। ओके मैसे, तो इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑन कंजप्शन, इसके दो पॉइंट्स में चर्चा करेंगे। पहला, इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑन कंजप्शन एक्सपेंशन, इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑन गवर्नमेंट। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, मार्केट में कंज्यूमर की कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगी, यानी जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा, जैसे जैसे पॉपुलेशन डिक्रीज होगा, कंजप्शन एक्सपेंड डिक्रीज, यानी हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन का कंजप्शन से डायरेक्ट रिलेशन। ओके वैसे, अर्थात पॉपुलेशन के बढ़ने घटने से कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी इफेक्ट होता है। ओके मैं, सेकेंड पॉइंट है इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ऑन गवर्नमेंट। अब चूंकि जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, मार्केट में लोग बढ़ेंगे, तो उनके लिए रहने खाने पीने सारी चीज़, शिक्षा स्वास्थ्य ट्रेनिंग, इन सब की भी व्यवस्थाएं भी इंक्रीज होगी, जो गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी अधिक से अधिक इंक्रीज होगा। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा, अर्थात पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा, पॉपुलेशन डिक्रीज होगा तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज होगा। अर्थात यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि पॉपुलेशन का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट रिलेशन। ओके वैसे, कि गवर्नमेंट पॉपुलेशन के इंक्रीज घटने बढ़ने से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज डिक्रीज होता है। ओके मैं, तो आज हमने चर्चा किया इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ऑन कंजप्शन एक्सपेंशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इफेक्ट, पॉपुलेशन इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑन कंजप्शन एंड सेकेंड इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑन गवर्नमेंट। ओके मैं, ओके मैं, अगर आपको इसमें से कहीं भी डाउट तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा, मैं उसका जवाब दूंगा, और अगर नहीं तो विजुअल पे मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन दुनिया चौगुनी तरक्की करें, इससे मुझे क्या खुशी की बात है। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो टू योर फ्रेंड रिलेटिव हु आर रिलेटेड टू, क्योंकि ऐसा करने में आपके तो एक रुपये भी नहीं लगते हैं, बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ जाते हैं। और मेरा मानना है कि वीडियो आपके लिए, आप संबंधित सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे, न डायरेक्टली इनडायरेक्टली, न शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग टर्म में, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं है, बिकॉज नॉलेज गेट स्पॉइल। ओके मैं, और हाँ, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत या इसी टॉपिक संबंधित या फिर किसी नए टॉपिक से, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। कल का टॉपिक रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंशन। ओके मैं, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंशन। तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर इसी तरह, फिर किसी नए टॉपिक से या इसी टॉपिक संबंधित फिर किसी टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, एंड वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट, एक बार पुनः आज शुभ नागपंचमी के पावन अवसर पर बारंबार स्मरण करते मैं उस नाग देवता को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, और मेरी तरफ से और मेरे परिवार से आपको, आपके पूरे परिवार को नागपंचमी की पूरी निष्ठा से, हृदय से हार्दिक शुभकामना। तो एक बार जयकारा लगाइए, वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो कल फिर मिलते हैं माय डियर स्टूडेंट, इसी समय, फिर इसी तरह किसी टॉपिक से या इसी टॉपिक से संबंधित फिर किसी टॉपिक से, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंतर्गत। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, एंड वंस अगेन, हर हर महादेव, हर हर महादेव।